आज के हमारे वीवीए मार्क पर प्रोग्रामिंग की क्लास में हम बात कर रहे हैं आपके साथ कोड कंसेप्ट। आखिर कोड का कंसेप्ट क्या होता है? हमने बात की थी कि आप किस तरह से आप किसी भी मैक्रो को यूज कर सकते हैं, क्या रिकॉर्डिंग मैक्रो क्या है, कैसे मैक्रो डिक्लेयर करेंगे, वो सारी चीजें हमने बात की थी। अब चलिए विजुअल बेसिक पे आते हैं, इंसर्ट मॉड्यूल्स। अब इसी जान लेते हैं कि कोडिंग को हम मॉड्यूल्स में ही क्यों करते हैं। देखिए हम सीट वन पे भी डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ भी कोड आपका स्क्रीन आता है, यहाँ भी हम कोड कर सकते हैं। बट यहाँ कोड करने से, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कोड किया, यहाँ पे आर आर का नाम से मैक्रो बना दिया, आप जाके देखेंगे आपके मैक्रो लिस्ट में आर आर नाम का मैक्रो तो आएगा, लेकिन जैसे किसी ने सीट को डिलीट कर दिया तो मैक्रो भी उसी के साथ डिलीट हो जाएगा, क्योंकि आपका मैक्रो उसी सीट की प्रॉपर्टी में डाला हुआ था ना। ओके सर। अब कुछ लोग बोलते थे अच्छा ठीक है दिस वर्किंग में डाल दीजिए, तो फाइल की प्रॉपर्टी में सेव होता है। तो एक सिर्फ मैक्रो का लोकेशन ही प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है नेविगेशन। मतलब एक सीट से अब जैसे आप प्रोग्राम लिखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स पे जाएंगे ना, या डिफरेंट डिफरेंट सीट्स पे जाएंगे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस केस में हम मॉड्यूल्स में करते हैं। तो इस पे कोड किस तरह का होता है? होता है इवेंट मैक्रो। जैसे कि मैंने यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सीट वन पे डबल क्लिक किया, यहां से वर्कशीट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए इतने सारे इवेंट्स, मतलब कि क्या हो, मैं जब सीट एक्टिवेट हो तो मेरा मैक्रो रन हो जाए, डिलीट करूं तो मैक्रो रन हो जाए, कोई चेंज करूं, कोई हाइपरलिंक पे क्लिक करूं, पिवट टेबल रिफ्रेश करूं, तो ऐसे एक्शन का रिएक्शन क्रिएट कर सकते हैं आप। ठीक है, नॉर्मली हम यहाँ भी यूज करते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ मैक्रो के बारे में। ये जो मैक्रो बनाया या जो बताया वो क्या है? देखिए टाइप ऑफ मैक्रो इसलिए जरूरी है ताकि आप अपने काम के अकॉर्डिंग मैक्रो डिफाइन कर सकें। तो मैक्रो जो होता है आपका, सबसे पहले होता है पब्लिक मैक्रो। पब्लिक मैक्रोज क्या करता है? पब्लिक मैक्रोज जस्ट पब्लिकली मैक्रो को रन करता है। जैसे अभी जो हमने आर आर नाम का मैक्रो बनाया, दिस इज द पब्लिक मैक्रो। ये मैक्रो इसी फाइल के अंदर सेव है, मैक्रो जो है इसी के अंदर सेव है, ठीक है। जहां जहां फाइल डीन जो जो इसको एक्सेस करेगा, आप ओपन करेंगे इस मैक्रो को भी ओपन कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। yes, जब तक माइक्रो 13 ओपन है, आप जो है किसी भी फाइल, जैसे मैं बुक 2 पे चला गया तो बुक 2 पे भी इसको रन कर सकता है, कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको पब्लिक मैक्रो बोला गया। बट इसकी एक लिमिटेशन है कि जब तक हमारा बुक 13 ओपन है तभी तक हम किसी और फाइल में इसको रन कर सकते हैं। जैसे मैंने बुक 13 को क्लोज किया, समझ गए, आप माइक्रो आपके लिस्ट में नहीं आएगा, क्योंकि माइक्रो की इंफॉर्मेशन है, मतलब जो कोडिंग है वो स्टोर क्या है, बुक 13 के बैकग्राउंड में। यस सर। इसीलिए हम यूज करते हैं पर्सनल माइक्रो। पर्सनल माइक्रो जब आप रिकॉर्ड करते हैं ना, रिकॉर्ड करते समय स्टोर इन होता है, इसमें आप पर्सनल मैक्रो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पर्सनल मैक्रो क्या करता है कि आपकी जो कोडिंग है ना, उस कोडिंग को एक्सेल के में, इस पर्टिकुलर फाइल में नहीं, एक नई फाइल बनाता है जिसका नाम रखता है एडिंस फाइल, माइक्रोसॉफ्ट लाइब्रेरी के अंदर सेव करके उसके डाल देता है। मतलब कि इस पे जो मैक्रो बनता है वो एक्सेल का एक पार्ट बन जाता है जो हर फाइल में बाय डिफॉल्ट ओपन होता है। लेकिन हम पर्सनल माइक्रो यूज ना करके हम इसको एडिंस के तौर पब्लिक माइक्रो को एडिंस बना देते हैं, क्योंकि इसको इंस्टॉल करना, रिमूव करना इजी है, इसको थोड़ा सा
कंपनी के द्वारा, क्योंकि आपको उस लोकेशन पे जाके उस फाइल को डिलीट करना पड़ता है जो कि दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तीसरा जो आता है वो आता है इवेंट माइक्रो। क्या होता है? इवेंट माइक्रो। अब इवेंट माइक्रो या इसको प्राइवेट माइक्रो भी कहा जाता है। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं जहां भी क्लिक करूं मेरा कर्सर रेड हो जाए, एरिया रेड हो जाए, कलर फिल हो जाए, उस केस में मैं जाऊंगा व्यू कोड, और व्यू कोड के अंदर हम देंगे वर्कशीट सिलेक्शन जो बाय डिफॉल्ट आ गया, यू कैन चेंज द योर कंडीशंस। तो यहां पे हम देते हैं एक्टिव सेल इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड। अब मैं कहीं भी क्लिक करूंगा रेड, तो ये कोड है रन करने का। वो कब रन होगा? जब कहीं पे क्लिक कीजिएगा, जब कहीं पे क्लिक कीजिएगा तभी रन होगा, अदरवाइज रन नहीं। तो फाइल ओपन करने पे, फाइल क्लोज करने पे, पिवट टेबल अपडेट करने की जो चीजें है ना, तो उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तीन तरह के माइक्रो होते हैं, पब्लिक माइक्रो, पर्सनल माइक्रो और इवेंट। जैसे कोई फाइल आपने बनाए तो अब कैसे डिसाइड करेंगे कि मेरा जो मैं माइक्रो बनाने वाला हूँ, जो प्रॉब्लम का सलूशन बनाने वाला हूँ, वो क्या बना? तो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए सलूशन तैयार कर रहे हो, एक फाइल पे वर्क करता है, जैसे एक डैशबोर्ड बना रहे थे या एक रिपोर्ट बनता है आपका, तो उस समय हम पब्लिक माइक्रो चूज करते हैं। ठीक है सर, क्योंकि वो फाइल के अंदर ही रन होगा। उसी वजह मान लीजिए आपको कि 100 डेटा कंबाइन करना होता है, तो जो डेटा है उसी फाइल के अंदर माइक्रो बनाएंगे ना, ताकि बार बार आप रन कर सके। नहीं तो क्या करना होगा, दूसरा फाइल ओपन करना होगा और उसमें उसका रन करना। मान लीजिए कि आपने फाइल बनाया जो कि सारे लोअर कोर्स को अपर कर देता है सिलेक्ट करने पे, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपना अपना फाइल ओपन ओपन करेंगे जिसमें सारे लोअर केसेस को अपर करना है, फिर आप कोड वाली फाइल को ओपन करेंगे जहां पे आपने कोड लिख रखा है कि लोअर को अपर करने का कोड लिख रखा है, फिर वापस उस फाइल पे आनी पड़ेगी जहां आपको करना है, फिर सेलेक्ट करके माइक्रो रन करना हो क्या? तो पब्लिक माइक्रो का यूज होता है जब ऐसी माइक्रो जो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम या पर्टिकुलर फाइल के लिए आप तैयार कर रहे हैं, तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, समझे? लेकिन आप एक टूल्स बनाना चाहते हो, जैसे एक फॉर्मूला बनाना चाहते हो, जैसे मान लीजिए ना कि आपके सिस्टम में एक्स लुकअप का फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, तो आपने एक्स लुकअप का फॉर्मूला वीवीए कोड के जरिए बना दिया। अब उसको अगर पब्लिक माइक्रो में बनाएंगे तो क्या होगा, उस फॉर्मूले को लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उस फाइल को ओपन करना होगा जिसमें आपने कोड डाला हुआ है, वापस आना होगा जहां आपको फॉर्मूला लगाना है, क्या? तो उस केस पे प्रोसेसर माइक्रो एडिंस माइक्रो यूज करते हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि किसी को अगर फाइल भेजेंगे, मान लीजिए आपने प्रोसेसर माइक्रो बनाया हुआ लगाया हुआ है, एडिंस बनाया हुआ लगाया हुआ है, अगर आपने किसी को भेजा तो उसके सिस्टम पे वर्क नहीं करेगा वो फॉर्मूला, एक्स लुकअप का उसके सिस्टम पे वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो कोडिंग है, जो इंफॉर्मेशन है, वो तो आपके सिस्टम में है ना, वो फाइल के साथ ट्रेवल तो नहीं कर रही है ना, क्योंकि फाइल के साथ ट्रेवल तो पब्लिक माइक्रो या इवेंट माइक्रो करती है। अच्छा ठीक है समझे। तो पर्सनल माइक्रो या एडिंस का यूज कब करते हैं? जब आप अपने लिए कुछ करते हैं कि मैं अपने बना के या कॉपी पेस्ट करके दे दूंगा, ठीक है। इवेंट माइक्रो यूज होता है
कि आप कोई शेड्यूलर लगाना चाहते हैं या कोई मतलब कि इवेंट लगाना चाहते हैं, जैसे मैंने ऑफिस में एक मैक्रो बनाया था कि एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारा एक फाइल ओपन होता है जो कि विंडो शेड्यूलर कर देता है, ठीक है ना, शेड्यूल टास्क कर देता है, ठीक है ना, शेड्यूल टास्क, ठीक है ना, इसमें शेड्यूल टास्क में टास्क लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर फाइल में काम कर, ठीक है ना, और हमने उस फाइल के अंदर में यहाँ वर्कबुक पे गया और हमने कहा कि वर्कबुक ओपन, तो हमने बोला कि ओपन होते ही हमारा सारा का सारा जो रिपोर्ट बनाने वाला माइक्रो है उसको रन कर दे, इससे क्या फायदा हुआ कि मैं सिस्टम पे रहूं चाहे ना रहूं, एक टाइम पे मेरा कंप्यूटर अगर ऑन है तो एक टाइम पे शेड्यूल टास्क मेरी उस पर्टिकुलर फाइल को ओपन कर देगी जिसके अंदर रिपोर्ट बनाने वाला माइक्रो है, ठीक है, और जैसे रिपोर्ट बनाने वाला माइक्रो रन होगा वैसे ही आपका इवेंट माइक्रो उस सारे माइक्रो को रन कर देता है जो जिससे आपकी रिपोर्ट बनती है। yes, तो आपको रिपोर्ट बनाने वाला माइक्रो को रन करने की पहले तो आपने क्या किया, रिपोर्ट बनाने के सारे सारे रिपोर्ट को आपने माइक्रो बना दिया कि आप रन करेंगे और आपका रिपोर्ट बन जाएगा, फिर आपने क्या किया ऑटोमेशन कर दिया कि मैं रहूं चाहे रहूं एक टाइम पे ऑटोमेटिक मेरा माइक्रो बन जाएगा, रन हो जाए और रिपोर्ट बन जाए। सेम उसी तरह से कि लोग पहले पैदल चलते थे, फिर बैलगाड़ी का इस्तेमाल हुआ कि भाई तो पशु खींच के ले जाएगा, फिर इंजन आया, इंजन आने के बाद लोग खुद ड्राइव करके जाते थे आते थे, अब सेल्फ ड्राइविंग कार आ गया। यस सर। क्या? यस सर। ओके सर। उसी तरह से इसका भी यूज कर सकते थे। तो आपको पता चल गया कि पब्लिक माइक्रो कब यूज करेंगे, पर्सनल माइक्रो कब यूज करेंगे एंड इवेंट माइक्रो कब यूज करेंगे। क्लियर है? ओके सर, क्लियर। डाउट इसमें? No doubt, sir. अब चलिए हम माइक्रो प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। तो हमने मॉड्यूल्स को क्रिएट किया हुआ है, अब यहाँ पे माइक्रो डिक्लेयर करते हैं। हालांकि आपको मैंने बताया था कि माइक्रो कैसे डिक्लेयर किया जाता है, फिर भी मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। माइक्रो डिक्लेयर करने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं पब्लिक सब और यहाँ पे उस माइक्रो का नाम दे। अब पब्लिक सब लिखना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट सब भी लिख सकते हो और माइक्रो का नाम दे सकते हो। माइक्रो का नाम जब देते हैं तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्या रखिएगा ध्यान, कि माइक्रो का नाम जो है उसके अंदर में स्पेस नहीं होना चाहिए, जैसे टेस्ट टुडे या कोई कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर की प्लस डॉट कॉमा डैश इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, आप स्पेस लगा सकते हो, ये अंडरस्कोर लगा सकते हो, अंडरस्कोर, और जो भी प्रोग्रामिंग होती है सब और एंड सब के बीच में होती है, बीच में। माइक्रो का नेम जब भी लिखेंगे आप तो थ्री करेक्टर न्यूमेरिक न लिखेंगे, जैसे कि राज वन। राज वन के लिए क्यों मना किया, क्योंकि आप इसको रन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राज वन नाम का ऑलरेडी आपके पास रेंज है। तो माइक्रो पे जाएंगे, देखिए दिखा राज वन तो रन करने के बजाय सिलेक्ट कर रहा है। तीन कैरेक्टर मतलब एक्स एफ डी तीन, लास्ट आपका तीन कैरेक्टर है ना, इसलिए राज राय इस तरह की चीजें मत कीजिएगा, ठीक है। हाँ, जरूरत हो तो अंडरस्कोर लगा दीजिए। एक नाम के दो माइक्रो एक रूल में नहीं हो सकता। अब यहाँ पे बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग कैसे करें। तो देखिए चार मेन ये है आपके कोड है, एप्लीकेशन, वर्क बुक्स, शीट्स एंड रेंज। इन्हीं चारों से आपका वीवी प्रोग्रामिंग चलता है। विचार है क्या, ये पार्ट ऑफ स्पीच का जो नाउन का काम, नाउन प्रोनाउन होता है ना, उसी तरह से जब कोई सेंटेंस आप बोलते हैं तो पहला वर्ड नाउन या प्रोनाउन मोस्टली होता है। yes, क्या? हाँ सर। ओके सर। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता है सब्जेक्ट है, तो ये जो है आपके मोस्टली वर्ड यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे एक फाइल ओपन करनी है, तो फाइल
फाइल डिनोट करता है किसको, वर्कबुक को। तो यहाँ हम लिखेंगे वर्क, कोड स्टार्ट होगा वर्क बुक्स डॉट ऐड करनी है, यहाँ पे लिखेंगे शीट्स डॉट ऐड। उससे एक रेंज को मान लीजिए मुझे कॉपी करना है रेंज, अब ये ऑब्जेक्ट आ गया, अब इसमें ऑब्जेक्ट डिटेल कि कौन सा ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर रेंज शिफ्ट कर देंगे डॉट कॉपी तो एक्सेल कंफ्यूज हो जाएगा कि विच रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा ए वन डॉट कॉपी। उसी तरह से अभी यहाँ पे क्या है कि वर्कबुक डॉट ऐड, इसमें किसी पर्टिकुलर फाइल का जिक्र नहीं हो रहा है ना, एक नया फाइल लेना है तो कंट्रोल एंड पेस्ट कर देता है, नया शीट लेना है एक नई शीट इंसर्ट कर देता है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि फाइल को सेव करो, तो मैं यहाँ पे वर्क बुक डॉट सेव एक्सेल सॉरी डॉट सेव। तो एक्सेल क्या इसमें सेव और सेव अस, सेव और सेव अस दोनों का जो है कोडिंग सेम ही नहीं था। मैं वो चीजें बाद में समझाता हूँ, पहले एक बार समझा देता हूँ, चीज समझिए ठीक है ना। फॉलो कीजिए, हमने वर्क डॉट सेव कर दिया, एक्सेल कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा वर्क। आपके पास तो बहुत सारे वर्क बुक है, क्या नाम है, क्या एक्सटेंशन है, क्या जी सर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर में उस ऑब्जेक्ट की डिटेल डालेंगे कि बुक वन डॉट एक्सेल एक्स या जो भी एक्सटेंशन है डॉट। ऐसे अगर मान लीजिए सीट मुझे रिनेम करनी है तो हमने लिख दिया सीट्स डॉट नेम, क्या नेम, तो इक्वल टू डेट। सीट कंफ्यूज हो जाएगा ना एक्सेल, किस सीट का नाम है, मेरे पास तो तीन चार सीट है। यहाँ पे शुड हैव एंटर द सीट नेम, जैसे कि सीट वन टू थ्री कुछ इस तरह से, समझे। तो यहाँ पे आपने दो चीजें समझ लीजिए कि किसी भी कोड का दो पार्ट होता है, ऑब्जेक्ट एंड एक्शन, लोकेशन और क्या करना, किस पे क्या करना है, किस पे क्या करना है। लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको अपने ऑब्जेक्ट की डिटेल या एक्शन की डिटेल, जैसे कि मैंने यहाँ पे डेटा डाला क्योंकि डॉट नेम पूछे कौन सा नेम, तो बोला कि डेटा होना चाहिए या जो भी नेम डाले, तो आपको एक्शन की भी डिटेल डालनी पड़ सकती है और आपके सीट की डिटेल भी डालनी पड़ सकती है, समझ गए। तो ऑब्जेक्ट और एक्शन समझ में आ गया आपको, नहीं, लोकेशन और एड्रेस एक्शन होता है और या ऑब्जेक्ट या मेंबर होता है, जो नेम हुआ है उसको मेंबर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मेंबर। सीट को क्या बोला गया, ऑब्जेक्ट, इसको बोला गया मेंबर। ब्रैकेट में डाला इस ऑब्जेक्ट डिटेल और जो हमने मेंबर के बाद डाला दिस मेंबर डिटेल, ठीक है। कोडिंग कुछ इस तरह से कहा जाता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, आपका जो एक्सेल है ना बिल्कुल गधा प्रसाद है, आप उसको बोल दीजिए ना पानी लाओ, तो हो सकता है वो बाल्टी में पानी लिया है या टैंकर में पानी लिया या भगोने में पानी लिया, समझ गया ना, हो सकता है ग्लास में पानी लिया। तो आपको डिक्लेयर करना होगा कि मुझे पीने के लिए पानी चाहिए, आप ग्लास में लेके आइए, तो फिर वो ड्रिंकिंग वाटर लेके ग्लास में लेके आएगा आपका। आपने बोला पीने के लिए पानी लाओ एक ग्लास, तो हो सकता है कि वो टंकी से डायरेक्ट भर के दे दे, गंदा पानी दे दे, क्योंकि आपने क्लियर नहीं किया है कि पीने वाला पानी चाहिए। पीने वाला पानी लाओ तो हो सकता है कि बाल्टी में लेके आ जाए, आपने ये क्लियर नहीं किया है कि आपको पीने के लिए पानी ग्लास में चाहिए, समझ गए। तो यहाँ हर एक चीज आपको क्लियर करना। अब ये चीजें क्लियर कैसे होगी, कैसे आप सोचेंगे कि क्या होना चाहिए कोड, वो डिपेंड करता है एल्गोरिथम पे। हमने आपको शुरुआत में बताया था कि जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, वो क्या है, वो है आपका एनालिसिस। पहला, आप प्रॉब्लम को समझिए, उसका शॉर्ट तरीका निकालिए, आता है एल्गो, एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम क्या करता है, उसका स्टेप्स को लिखिए, देन आता है
कोडिंग, देन आता है टेस्टिंग, देन रीटेस्ट, मतलब कि अगर कोई एरर हुआ तो रीटेस्ट की रिकोड, सॉरी रिकोड, अगर कोई एरर आया तो आप क्या करेंगे, रिकोड करेंगे, फिर उसको रीटेस्ट करेंगे। ये लूप चलता रहेगा कब तक, जब तक कि आपकी प्रॉब्लम कोड 100% रन नहीं होता, फिर उसको बोलते हैं अप्लाई। ये आपके स्टेप्स है किसी भी प्रोग्रामिंग को लिखने का। तो एनालिसिस तो आपके दिमाग पे निर्भर करता है, इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है। आप प्रॉब्लम को समझे, अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से प्रॉब्लम को समझे, हर बार अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है। एल्गोरिथम का एक तरीका है, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे नेम रोल मार्क्स, ठीक है ना, अब इसकी जो है एक मिनट बनानी है कि क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले स्टार्ट, मतलब कि डिक्लेयर ऑफ द मैक्रो, फिर सेलेक्ट A1, एंटर नेम, फिर सेलेक्ट B1, एंटर रोल, सेलेक्ट C1, एंटर मार्क्स, समझे। तो आप बोलेंगे कि मैंने सिलेक्ट A1 किया, फिर एंटर नेम किया, ऐसा क्यों लिखा, ताकि हमने लघुधम लिखा है कि सिलेक्ट वन, सबसे पहले जो कोड देना है सिलेक्शन का, तो बगैर सिलेक्शन नाम लिख सकते हैं आप, माउस क्लिक करके फिर कुछ लिखेंगे ना आप। उसी तरह से हमें पिवट अप्लाई करना है, सिलेक्ट द डेटा देन अप्लाई द पिवट, आपको चार्ट अप्लाई करनी है, सिलेक्ट द डेटा अप्लाई द चार्ट, क्या तो स्टेप्स होने चाहिए ना। आपको मान लीजिए पेस्ट स्पेशल करना है, तो पेस्ट स्पेशल पहले आपको डेटा कॉपी करना होगा ना, डेटा कॉपी करने से पहले डेटा सिलेक्शन करना होगा, और डेटा सिलेक्शन करने से पहले उस लोकेशन पे जाना होगा जहां से डेटा सिलेक्ट करना है। तो आपकी एल्गोरिथम कैसे स्टार्ट होगी, गो टू द लोकेशन, सिलेक्ट द डेटा, कॉपी द डेटा, गो टू द पेस्ट लोकेशन एंड पेस्ट द डेटा, समझ में आया आपको। तो इस तरह की चीजें आपको जब एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे तब पता चलेगा, ताकि आप दिक्कत न करें। अब होता क्या है कि हम लोगों को स्टेप्स दिमाग में होता है, तो हम लोग इसको नहीं डिफाइन करते, लेकिन जब यही कोई और बोलता है, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई एक रिपोर्ट बनाए उसको ऑटोमेट कर, तो आप बोले हाँ सर कैसे बनाते, क्या करना है बताओ, मैं बोलाऊंगा फलाने पे जगह पे जाना है, डेटा लेना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पे कंडीशन करके डेटा को रिमूव कर देना है, यहाँ पे पिवट लगाना है, ये चीज यहाँ रखना है, फिर चार्ट बनानी है, अगर चार्ट में अगर इतना परसेंट कम होता है तो इसमें इस तरह का कलर देना है, याद रहेगा आपको। तो जब आप बताया जाएगा तो उसी समय उसका आप क्या करेंगे, प्रॉब्लम को समझेंगे और उसकी एल्गोरिथम तैयार कर देंगे, ताकि कोडिंग करते समय कोई स्टेप आप भूल ना जाए या किसी स्टेप को आप ऊपर नीचे ना कर दे। किसी स्टेप को ऊपर नीचे ना कर, इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप ऑफिस में जो काम करते हैं ना, काम का एक एल्गोरिथम तैयार करें। आप जरूरी नहीं कि एक्सेल पे तैयार करें, आप नोटपैड पे तैयार करके ही फोटो खींच के भेज दीजिए, मैं देख लूंगा कि आप स्टेप को समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो आज मुझे एक छोटा सा काम करना जो मैं बहुत टाइम से करता हूं, जिससे जो हेडिंग होता है, एक सपोज ये नेम लिखा, रोल लिखा और मार्क्स लिखा है, इसमें पूरा नीचे तक डेटा नहीं है, जो जैसे सेल A2 में डेटा है, सेल्स A5 में डेटा है, फिर सेल्स B3 में डेटा है, और ऐसा मतलब गैप में डेटा है नीचे तक। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो नेम है ये कॉपी होके जहां जहां डेटा है वहीं सिर्फ नेम नेम उसका पेस्ट हो जाए, और ये लगभग A to Z मतलब लगभग 150-200 लाइनें हैं ऐसी। जैसे आपके आप यहाँ पे रोल नंबर है, मान लीजिए यहाँ पे पूजा हो गया, हाँ पूजा हो गया, पृथ्वी हो गया, यहाँ पे रवि हो गया, हाँ जी है। नहीं सर ये भी सीक्वेंस से नहीं है, सीक्वेंस से नहीं है यहाँ पे, जैसे ये पूजा, जैसे ये तो नेम है, जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, बस ये नेम है। एक मिनट सुनिए ना, जैसे पुनीत है, मैं जो समझ पा रहा हूँ मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर आप बोलिएगा, ठीक है।
अब आपको क्या करना चाहते हैं कि इस नेम को उठा के इसके ऊपर रखना है आपको, फिर इसको यहाँ इसके ऊपर रखना है, फिर इसके ऊपर रखना है। नहीं 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 सर, ऐसा नहीं सर, एक मिनट मैं आपसे स्क्रीन शेयर करूं क्या? हाँ एक मिनट।